हाँ, दो सांसद उन्होंने कांटेक्ट किया था माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को कि हमें आपके यहाँ आना है। अभी उनमें पश्चाताप हो रहा है और वो बाजू होने चाह रहे हैं, उनमें बहुत नाराजी है। लोकसभा चुनाव 2024 अब खत्म हो चले हैं, लेकिन सियासी पारा अभी भी अपने चरम पर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में सियासी पारा अभी खत्म नहीं बल्कि और भी ज्यादा बढ़ चुका है। शिवसेना ने शनिवार को एक बड़ा दावा कर दिया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के दो नव निर्वाचित लोकसभा सदस्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। बता दें कि शिवसेना प्रवक्ता नरेश महास्के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दल बदल विरोधी कानून का हवाला देते हुए दोनों लोकसभा सदस्यों का नाम लेने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि दोनों नेताओं के साथ जल्द ही चार और सांसद जुड़ जाएंगे और शिंदे के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल हो जाएंगे। हाँ, दो सांसद उन्होंने कांटेक्ट किया था माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को कि हमें आपके यहाँ आना है, हमारे चुनाव क्षेत्र में काम भी चाहिए और जो मूल तत्व है शिवसेना का, जो विचार है, इन्होंने ये इलेक्शन में तो पूरा छोड़ दिया। विशिष्ट धर्म का मतदान लेने के लिए मुल्ला मौलवियों को लाखों रुपये बांटे, धर्मस्थल मस्जिदों में जाके लोगों से आह्वान किया कि धर्म खतरे में है, और इसी तरह इकट्ठा वोट उन्होंने लिए है और ये अभी लोकल मतदारों को मालूम पड़ा है। जो शिवसेना का मूल मतदार है उन्होंने उबाटा के खासदारों को वोटिंग किया था, अभी उनमें पश्चाताप हो रहा है और वो बाजू होने चाह रहे हैं, उनमें बहुत नाराजी है। तो इसीलिए ये जो दो खासदार है उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया था, डिस्क्वालिफिकेशन का जो सब्जेक्ट है उसका स्टडी करके और चार MP साथ में लेके हम लोग यहाँ प्रवेश करेंगे, आपको पाठिंबा देंगे जल्दी। हमारा नाम बताएं, आपको मालूम पड़ेगा, अभी क्यों नाम बताओ। एकनाथ शिंदे का नाम फ्लोर लीडर के रूप में कल चुना गया है, इससे क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर श्रीकांत, एकनाथ शिंदे के बेटे हैं श्रीकांत शिंदे, उनका नाम चुना गया है। वो देखो कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काम करेगा वही राजा बनेगा, ये कहावत है। वो बेटे है ठीक है, लेकिन वो काम करते, तीसरी बार सांसद है, संगठन के लिए काम कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे, खुद का इलेक्शन छोड़ के, खुद का प्रचार छोड़ के पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे थे, हर एक लोकसभा चुनाव क्षेत्र में घूम रहे थे। हमारे सब आमदार है, हमारे कार्यकर्ता है, हमारे जिला प्रमुख है, सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि श्रीकांत एकनाथ शिंदे को मंत्री पद देना चाहिए और ये डिमांड, ये मांग, ये हमारी जो मांग है वो हमने कल माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के पास रखी है, निर्णय वो लेंगे। कितने मंत्री पद का डिमांड? जो कुछ होएगा उसमें डॉक्टर श्रीकांत एकनाथ शिंदे इनको प्रमुख जवाबदारी उनको देना चाहिए, ये हमारी मांग हमने माननीय मुख्यमंत्री की एकनाथ शिंदे साहब के पास रखी है। थाने से नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य महास्के ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से बसों में सवार होकर आए एक खास समुदाय से वोट मांगा, उससे दोनों लोकसभा सदस्य नाखुश है, इसलिए ठाकरे खेमे के दो लोकसभा सदस्य हमारे साथ संपर्क में है, उनके साथ चार और सदस्य जुड़ेंगे। इसके बाद ये सभी सदस्य मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन भी करेंगे। बता दें कि नरेश महास्के का यह बयान ऐसे समय पे आया है जब संजय राउत ने यह बड़ा दावा किया था कि शिंदे गुट के विधायक और सांसद ठाकरे के साथ फिर से शामिल होने के इच्छा जता रहे हैं। बता दें कि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 7 लोकसभा सीटें जीती हैं जबकि ठाकरे गुट ने 9 सीटें जीती हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि किसके दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त बता ही देगा। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।